हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। अगर आपको भी डेबिट और क्रेडिट समझ में नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए है टैली में। ठीक है, टैली में अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आती है तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिल जाएगी और काफी सारी चीजें आप सीख जाएंगे। तो ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। और इसके साथ साथ ये भी बता देना चाहता हूँ कि आज शाम को 8:30 बजे लाइव जुड़ना मत भूलिएगा। लाइव क्लास चलेगी 8:30 बजे से आज शाम को टैली की। ठीक है, तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं सीधा जुड़ सकते हैं, अपने सवाल सीधा पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टैली ओपन कर लेते हैं। तो ये टैली हमने ओपन कर लिया। अब एक कंपनी बनी हुई है, ये जहरीला कंपनी है। ठीक है, एक्चुअल में जहरीला नहीं है लेकिन जहरीला कंपनी का नाम दे दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि हम ये समझेंगे कि कंट्रा वाउचर में किस तरीके से डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में एंट्री पास की जा सकती है। सबसे पहला तो सवाल यही हो जाता है कि डेबिट क्रेडिट आता नहीं है कई लोगों के सिस्टम में, कई लोगों के टैली जो सॉफ्टवेयर है उसमें डेबिट क्रेडिट नहीं शो होता है, तो कैसे शो करेगा। इसके लिए मैं आपको दो सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। एक तो टैली प्राइम ओपन ही कर रखा है मैंने, दूसरा टैली ERP 9 भी ओपन कर लेता हूँ ताकि दोनों ही पे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, दोनों ही पर आपको चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अभी मैंने दोनों ही सॉफ्टवेयर ओपन कर लिए हैं। तो पहले टैली प्राइम पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्रेडिट आ रहा है आपके, मगर ऐसा ना आ रहा हो तो आपको करना क्या है, कीबोर्ड से F12 बटन प्रेस करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है Use CR/DR instead of 2/Y during voucher entry, तो इसको नो कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नो रहेगा तो डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर नो रहेगा तो डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ से कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, यहाँ देखिए 2 और Y के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगर इसके अलावा भी कुछ ऐसा इंटरफेस आता हो, जैसे यहाँ से कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ और यहाँ हम सिंगल एंट्री मोड में आ जाते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से एंट्री करना तो बहुत आसान है, मैंने आपको सिखाया भी है क्या करना क्या है कंट्रा वाउचर में। देखिए यहाँ पर क्या करना है, Alt C करके लेजर बनाना है। जिस भी खाते में पैसा इन होगा, जिस भी खाते में पैसा जाएगा, जैसे मान लीजिए पैसा जा रहा है SBI में, तो यहाँ लिख दिया SBI, एंटर किया, ये बैंक अकाउंट में जाएगा। यहाँ पर SBI का बैंक अकाउंट नंबर आएगा जो भी है। ठीक है, और जब बैंक अकाउंट नंबर आ जाएगा तो फिर एंटर करके फिर IFSC कोड स्विफ्ट कोड जो भी है वो डालते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर चेक चाहिए कि नहीं चाहिए वो सब चीजें देख करके फिर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराएंगे। तो देखिए ऊपर SBI आ गया है। अब बाकी कैश डाल रहे हो आप SBI में, हालांकि कैश हमारे पास है नहीं, शॉर्टेज है कैश की, लेकिन चलिए फिर भी यहाँ पर क्या करते हैं कुछ पैसे डाल देते हैं। जैसे 5,000 रुपए हमने डाल दिया, लेकिन अभी हमारे पास कैश नहीं है तो 10,000 रुपए नेगेटिव आएगा। ऑलरेडी हमारा 5,000 नेगेटिव में है और 5,000 हम नेगेटिव में जा रहे हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना है, नेगेटिव ना आए इसके लिए क्या करना है, पहले तो कैश को रिसीव कराना है। तो यहाँ से वाउचर को चेंज करना पड़ेगा। F6 प्रेस करके आ जाइएगा रिसिप्ट वाउचर में और यहाँ पर जब आप एंट्री पास कीजिएगा तो आसानी से आपका वो सारी चीजें हो जाएंगी जो आपसे नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर इसको पहले डबल एंट्री मोड को यस कर लीजिएगा, कंट्रोल ए कर लीजिएगा। अब ये डबल एंट्री मोड में आ गया, ये यहाँ से चेंज मोड कर लीजिएगा और इसको डबल एंट्री बना लीजिएगा, बस आपको इतना ही करना है। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट डेबिट आने लगा है, तो क्रेडिट किसे करेंगे, कंपनी में लगाए जाने वाले फंड को हम कहते हैं कैपिटल। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट को इस तरीके से लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, इसे अंडर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल अकाउंट और एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो बस ये कैपिटल अकाउंट का आपका खाता तैयार हो गया। अब कैपिटल में कितना डालना है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कुछ इतना अमाउंट और एंटर करके, और फिर यहाँ पर हमें कैश रखना है, हम कैश डालेंगे। तो ये कैश हो गया, यहाँ पर कैश ही आपको कर देना है। ये देखिए ये हो गया कैश, एंटर करेंगे। देखिए 4,95,000 रुपये बैलेंस आपका शो हो रहा है। अब ये 4,95,000 इसलिए शो हो रहा है कि 5,000 पहले से नेगेटिव था। ठीक है, तो अब आपके पास कितना है 4,95,000। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं ये हो गया है और अब हमको एंट्रीज पास कर दिया। तो चलिए परचेस वाउचर में चलते हैं और एंट्री पास करके देखते हैं। सबसे आसान तरीका आइटम इनवॉइस में आकर के एंट्री करने का है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आइटम इनवॉइस में आ जाइएगा, जो आइटम परचेस करके लाइएगा अपनी दुकान पर उसको उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, तो यहाँ पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर। तो ये दुर्गेश नाम से एक क्रेडिटर पार्टी हम बना लेते हैं, एंटर करते हैं और ये संडे क्रेडिटर के ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ से संडे क्रेडिटर जरूर चूज कीजिएगा, एंटर करिएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो ये विंडो ओपन होगी, इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पर आएगा परचेज अकाउंट का लेजर, तो ये परचेज अकाउंट का लेजर लगा लीजिए। GST अगर आपको लगाने नहीं आता है तो आपको बता देता हूँ कैसे GST लगाना है, कैसे एक्टिवेट करना है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अभी पहले इसको मैं एक्सेप्ट कराता हूँ। तो ये परचेज अकाउंट का लेजर आ गया। अब यहाँ पर कोई स्टॉक आइटम हम परचेज करके लाएंगे, जैसे मान लीजिए मैं टैली की बुक परचेज कर रहा हूँ, तो ये लिखा मैंने टैली बुक।
ठीक है, एंटर किया, एंटर किया, प्राइमरी में डाल दिया, और ये ना तो आवर्स में आएगा ना तो मिनट में आएगा, टैली की बुक किस में आएगी, आइटम यानी कि नंबर्स में आएगी। तो यहाँ एनवर्स लिख देता हूं, ये सिंबल होता है नंबर्स का, तो यहाँ कर दिया नंबर्स और एनवर्स करके यहाँ पर नंबर्स के लिए एन प्रेस करेंगे तो एनवर्स नंबर्स आ गया है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये हो गया। यहाँ पर जीएसटी अगर अलग से देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, फिलहाल जीएसटी को तो एक्टिवेट ही नहीं किया, तो अभी हम यहाँ पे 550 बल्कि की टैली की बुक लेते हैं और एक बुक की कीमत 670 रुपए खरीद रेट पड़ रही है, तो ये हो गया यहाँ पर इस तरीके से आ गया। अब मान लीजिए कि ये जो टैली की बुक है इसके अलावा भी आप कुछ परचेस करना चाहते हो, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने जावा बुक, जावा बुक यानी जावा के बुक की बात हो रही है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पर एनओएस करते हुए आगे बढ़ेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, इसको भी एक्सेप्ट करा लेंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। 100 जावा की बुक हम परचेस करके ला रहे हैं, इसको हम बेचेंगे ऊंचे दामों पर, ठीक है, तो 1100 की एक बुक पड़ रही है खरीद रेट, तो इससे ज्यादा का ही बेचेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आप चाहते हो जीएसटी लगाना, लेकिन जीएसटी तो यहाँ आ नहीं रहा है, तो जीएसटी लगाएंगे कैसे? अगर आप लेजर लगा लेते हैं बिना अप्लाई किए, बिना जीएसटी को इनेबल किए सीजीएसटी का लेजर लगाते हैं तो क्या ये काम करेगा? बिल्कुल नहीं काम करेगा, आप देख सकते हैं, यहाँ मैं लगा के दिखा देता हूँ, जो बिगिनर्स होते हैं उनको इसी तरह की प्रॉब्लम होती है, वो सीधा सीधा जीएसटी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और ये बिना एक्टिवेशन के जीएसटी नहीं अप्लाई हो पाएगा, ये बात याद रखिएगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो पहले तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल करना होगा, तो यहाँ से F11 की प्रेस करके यहाँ से जाकर के जीएसटी ऑप्शन को यस करिएगा, एंटर करिएगा, जैसे ही एंटर करते हैं तो यहाँ पे आता है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे रेगुलर रखिएगा, अगर आप कंपोजिशन में डील करते हैं तो कंपोजिशन रख सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपका जीएसटी आई एन नंबर जो भी होता हो वो आपको डाल देना है, डाल करके एंटर करके आगे बढ़ना है। मंथली जीएसटी फाइल कर रहे हैं, अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो क्वार्टरली डाल सकते हैं, एंटर करेंगे, यहाँ पे टैक्सेबल रखेंगे। टैक्सेबल रखने के बाद अब तो ऐसा दिन आ गया है कि अब गेहूं और चावल पे भी जीएसटी लग रहा है, तो सब चीज पे आप लगा सकते हैं, ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर नो करके आगे बढ़ेंगे, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो अभी जीएसटी ये एप्लीकेबल हो गया है, यानी अप्लाई हमने कर दिया है और यहाँ पर देख सकते हैं सीजीएसटी कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिकली, जो कि पहले नहीं कैलकुलेट हो रहा था। यहाँ ऑल्ट सी करके एक और बनाते हैं हम एसजीएसटी, यानी सेम स्टेट का मामला होगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी, डिफरेंट स्टेट का मामला होगा तो आईजीएसटी, ये कर लिया हमने, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एसजीएसटी का लेजर भी हम क्रिएट कर रहे हैं, देख सकते हैं बहुत आसान है क्रिएट करना, ऐसे करके कर लीजिएगा और यहाँ पर ये अमाउंट आ गया। अब इसको हम सेव करते हैं यानी एक्सेप्ट कराते हैं, तो लास्ट तक आपको एंटर 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 करते जाना है जब तक ये एक्सेप्ट ना हो जाए। अब तो ये हमने कर लिया, लेकिन अब अगला काम क्या है, यहाँ से री प्रेस करके इसका पेमेंट भी करना है। तो पेमेंट मान लीजिए किसी और डेट पर होता हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए एंट्री तो आपने कर लिया, यहाँ पे देख सकते हैं ये एंट्री परचेज वाली हो गई है, किस डेट में हुई है, 1 मई 2022, लेकिन इसका पेमेंट हम किसी और डेट पे करना चाहते हैं, 2 तारीख को करना चाहते हैं, 31 मई को करना चाहते हैं, जो भी हो उसी डेट पे हम पेमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हमें पेमेंट वाउचर में जाना होगा, F5 प्रेस करके, यहाँ पर आ रहा है डेबिट, बिल्कुल सही है, आप घबराइए मत, एकदम समझ में आ जाएगा, यहाँ पे डेबिट आ रहा है ना, यहाँ पे F2 कर दीजिए। हमें कब जाना है, जैसे 31 मई, तो यहाँ देखते हैं 31/5/2022, ये किया हमने, एंटर किया, यानी हम पेमेंट करेंगे 31 मई के डेट में, ठीक है। क्रेडिटर पार्टी का नाम क्या था, दुर्गेश नाम था, तो दुर्गेश ले लेते हैं यहाँ पर, यही थी क्रेडिटर पार्टी, 1,69,330 रुपए बकाया है, 1,69,360 यानी ये अमाउंट इनका बकाया था, ये पूरा दे दिया जाए। अगेंस्ट रेफरेंस पर कर्सर आ जाता है, अपने आप एंटर करेंगे, यहाँ पर कैश में हम पेमेंट कर देंगे। अगर आपके बैंक खाते में पैसा है तो आप बैंक खाते के थ्रू भी जा सकते हैं। आई बात समझ में, ये आपने डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में पेमेंट किया। अब एक बार मैं इसका प्रिंट आउट दिखाता हूं और फिर समझाने की कोशिश करता हूं। अब देखिए यहां पर ये पेमेंट वाउचर है, तो जब भी परचेस करेंगे तो पेमेंट होता है, और यहां पर ये चीज डेबिट हुई है, यानी जो क्रेडिटर पार्टी लेने के हकदार नहीं है, ठीक है, और यहां पे कैश में ये पैसा दे दिया गया, तो इसकी आपको एक रिसीविंग भी दे दी जाती है अल्ट पी करके, और यहाँ पे एंटर करके और आई बटन प्रेस कर देते हैं तो ये एक रिसीविंग भी मिल जाएगा जहरीला कंपनी से, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ से बाहर आ जाते हैं, ये समझ में आया। अब इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा कंट्रा वाउचर की, फिर हम करेंगे सेल्स, ठीक है, तो जो परचेस किया उसी को सेल करेंगे, तो चलिए पहले सेल ही कर लेते हैं फिर कंट्रा वाउचर पे बात करते हैं। तो ये हो गया, ये आ जाएंगे कहां, सेल्स वाउचर में F8 प्रेस करके, यहां पर हमें एक डेटर पार्टी बनानी होगी, तो डेटर पार्टी में हम बना लेते हैं सुनील। अब ये एक डेटर पार्टी है, ठीक है, यहाँ पे डेटर पार्टी के लिए डी लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या करते हैं संडी डेटर ग्रुप में इसे डाल देंगे, तो ये संडी डेटर हो जाएगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करते हुए इसको कराएंगे एक्सेप्ट,
ये एक्सेप्ट हो गया, एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करेंगे, फिर एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। यहाँ पर सेल्स अकाउंट का ले जा रहेगा, जैसे वहां परचेज अकाउंट का आता था तो वैसे यहाँ पे सेल्स अकाउंट का ले जा रहेगा। आ गया यहाँ पे अंडर सेल्स अकाउंट के ग्रुप में इसे डाल करके इसको भी आगे बढ़ाएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये सेल्स अकाउंट कर दिया, एंटर 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 करके एक्सेप्ट कराया हमने। यहाँ पर क्या आएगा, जो प्रोडक्ट हमारे पास है उसी को सेल करेंगे। तो ये है जावा की बुक, तो जावा की बुक हम बेचेंगे 1400 रुपए में, खरीदा था उससे ज्यादा ही दाम का हम बेचेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे क्वांटिटी हमने ज्यादा डाल दी, हमारे पास कम ही क्वांटिटी है। जैसे मान लीजिए 100 क्वांटिटी हम लेते हैं तो 100 क्वांटिटी एक्सेप्टेबल है, हमने क्वांटिटी ज्यादा डाल दी जिसकी वजह से ये नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा था। और एक की कीमत हम रखेंगे 1450 रुपए, ठीक है। अब देखिए, अब ये सही है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं टैली के बुक की। तो 50 बुक हमारे पास अवेलेबल है, हम 49 बेच देते हैं। कितने में बेचेंगे, एक की कीमत रखेंगे 1100, ठीक है। ये 1100 रख दिया और आगे बढ़े, यहाँ पर आए नीचे। यहाँ पर क्या करेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर आ जाएगा। तो पहले सीजीएसटी लगा देता हूँ, ये लगा दिया, और अब एसजीएसटी लगा देते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट हो जाएगा और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। तो बस ये हो गया आपका। लेकिन अब इसका हमें पेमेंट करना है, पेमेंट नहीं करना बल्कि पेमेंट रिसीव करना है। या बेच रहे हैं तो उसके लिए हम पेमेंट रिसीव करेंगे, तो यहां से चल करके पेमेंट रिसीव कर लेते हैं रिसिप्ट वाउचर में। जैसे रिसिप्ट वाउचर में आते हैं तो ठीक उल्टा, पेमेंट के ठीक उल्टा यहां पर आपको सीआर मिलता है, यानी कि अब आप क्रेडिट होंगे, यानी पैसा आपको मिलेगा। कौन देगा पैसा, जो भी हमारी डेटर पार्टी है वही पैसा देगी। तो ये देखिए यहां पर आते हैं, ये दिखा रहा है इनका 2,34,702 रुपए। तो यहाँ पे 2,34,702 जैसे ही आप डालेंगे तो ये हो गया, ये अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा। इसी बिल के अगेंस्ट में आपको पेमेंट प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर कैश कर सकते हैं, अगर आप बैंक के थ्रू जाना चाहें तो बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये हो गया कुछ इस तरीके से। इसकी रिसिप्ट मैं दिखा देता हूँ कैसा ये दिखेगा। तो ये है रिसिप्ट वाउचर, और यहाँ से अल्ट की करके एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे आई बटन प्रेस करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा। इस तरीके से दिखाई दिया, तो कुछ इस तरीके से आपको करना है। यहाँ से बाहर आ जाइए, बाहर आने के बाद क्या करना है, जैसे ही बाहर आते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये इस तरह का इंटरफेस। अब हमें क्या करना है, वापस से चलना है कंट्रा वाउचर में। एक बार कंट्रा वाउचर में भी डेबिट क्रेडिट देख लिया जाए कि कैसे होता है, ठीक है। तो फिर वापस से आते हैं कंट्रा वाउचर में, ये आ गए। अब ये कैश कर देते हैं, तो कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेबिट कौन हो रहा है, माई बैंक या फिर जहां से भी आप लेते हो। जैसे मान लीजिए ये है ना, यहाँ से लिया हमने तो ये हो गया। अब ये 5,000 का हिसाब डिटेल बनेगा, यहाँ पे 0 कर देते हैं, ये हो गया एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से बाहर आते हैं, ठीक है। बाहर आकर के एक बार प्रिंट आउट देख लेते हैं, ये प्रिंट आउट है आपका, ठीक है। अब एक बैंक में पैसा भेजना है तो कैसे भेजेंगे, जैसे मान लीजिए कैश भेजना है तो कैसे भेजेंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ बी प्रेस करके कंट्रा वाउचर में आ गया। अब यहाँ पर दिख रहा है क्रेडिट, तो किसको क्रेडिट किया जाए। तो मान लीजिए अगर आप SBI का लगाते हैं, यहाँ पे लेजर लगाते हैं SBI का, और अगर 5,000 रुपए इसमें डाल रहे हैं, एंटर कर रहे हैं एंटर, तो यहाँ पर SBI में कुछ भी बचेगा नहीं, क्योंकि 5,000 रुपए SBI से कट जाएगा और किसमें चला जाएगा, जैसे मान लीजिए ये है PNB, तो ये PNB में चला जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये PNB में जाएगा, ये चला गया PNB में। अब अगर मान लीजिए फिर वापिस से आते हैं और अगर यहाँ पे SBI लेने की कोशिश करते हैं, तो SBI में बैलेंस 0 है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर एक भी रुपए आप लेने की कोशिश करेंगे SBI से तो यहाँ पर ये नेगेटिव में जाएगा। तो पहले तो SBI में बैलेंस होना चाहिए। हाँ, ये काम कर सकते हैं कि PNB का फिर SBI में डालना हो तो डाल सकते हैं। बस तो बस यही तो आपको करना है। ये देखिए, ये वाली एंट्री है। इस तरीके से आप डेबिट और क्रेडिट के फॉर्म में भी आसानी के साथ एंट्री पास कर सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी। इसी तरीके से जनरल वाउचर के लिए मैंने कई वीडियोज बनाई है, आप चाहे तो हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब ये तो रही बात टैली प्राइम की। टैली ERP 9 में भी सेम तरीका आप यूज कर सकते हैं, पैसे पास करेंगे एंट्री, ठीक है। तो ये हो गया, ये सब एक्सेप्ट होने के बाद अभी हम सीधा आ जाते हैं वाउचर कंट्रा में, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, हम सीधा कंट्रा में आते हैं। तो ये कंट्रा में क्रेडिट दिख रहा है, डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में एंट्री कैसे पास करेंगे, यही सवाल है। और यहां से अल्ट सी करके अगर लेजर क्रिएट करते हैं SBI का, SBI हो गया, ये SBI जो है बैंक अकाउंट में जाएगा। तो यहां से बैंक अकाउंट आपको कर देना है, और यहां पर बैंक अकाउंट नंबर जो भी हो आपका वो डाल वाल के फिर आगे बढ़िए, फिर एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए, एक्सेप्ट कराइए। ये एक्सेप्ट हो गया। आप मान लीजिए यहां पे 4,000 रुपए SBI में आप डाल रहे हैं, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, तो ये तुरंत आ जाएगा नेगेटिव कैश। अब यहां पर क्या करना है, पहले हम कैश डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये आए, यहां पर कैश कर देंगे, तो ये कैश किया। अब यहाँ पे 4,000 किया, ये आ गया नेगेटिव कैश, तो यहां पर भी ये नेगेटिव कैश आ रहा है। जब हम कैश डाल रहे हैं तो भी नेगेटिव कैश आ रहा है। तो ये नेगेटिव कैश का सॉल्यूशन क्या है, पहले हम पैसा रिसीव करा लेंगे, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, पैसा पहले रिसीव कराते हैं। तो यहां पर रिसीव वाउचर में आए, यहां पे कैपिटल अकाउंट
CAPITAL कैपिटल अकाउंट से ये पैसा रिसीव हो जाएगा, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा और यहां से कैपिटल अकाउंट लगा करके एंटर 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 करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ये हो गया। और यहां पर कुछ इस तरीके से ये आगे बढ़ेंगे और यहां पर करेंगे कैश और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, ये एक्सेप्ट हो गया। यहां से बाहर आएंगे, वी प्रेस करेंगे, यहां पर किसी भी कंट्रा वाउचर में आ जाते हैं, ये कंट्रा वाउचर में आ गए। अब यहां पे कैश लगाते हैं, तो ये देखिए यहां पर बैलेंस अवेलेबल है, यहां पर 4000 रुपए हम यहां से ले रहे हैं और किस बैंक में डाल रहे हैं, एसबीआई में डाल रहे हैं, ये एसबीआई में गया, ये हो गया। अब यहां पे दो नोट है तो ये नोटों की डिटेल डाल करके आगे बढ़िए। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर एसबीआई से अगर आपको 2000 रुपए निकालने हो, ध्यान दीजिएगा 2000, अगर 4000 से ज्यादा कर देंगे तब तो नेगेटिव कैसा आ जाएगा, देखिए यहां पर रेड में आ जाएगा, देखिए जैसे किया ये रेड में आ जाएगा, ये किया तो देखिए यहां 1000 रेड में आ रहा है कि नहीं, तो यहां पर हमको 2000 ही लेते हैं, 2000 ले लेते हैं, तो ये 2000 हो गया। एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, यहां पर आए। अब दूसरा बैंक का लेजर बनाते हैं, इसे पीएनबी कर देते हैं, पीएनबी, ठीक है, ये पीएनबी हो गया, ये अंडर बैंक अकाउंट जाएगा, तो यहां से बैंक अकाउंट कर लेते हैं, तो ये बैंक अकाउंट हो गया। एंटर करते हुए यहां पर अकाउंट नंबर डाल लीजिएगा, फिलहाल स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, ये 2000 रुपए चला गया किसमें, पीएनबी में। अब स्टेट बैंक में कितना बचा, आपका जितना भी डाला उसमें से 2000 तो माइनस हो गया होगा, यानी कि एसबीआई में क्या बैलेंस बचा, तो यहां पे देखेंगे तो एसबीआई का बैलेंस भी शो कर देगा, तो देखिए एसबीआई में सिर्फ 2000 बचा हुआ है। अच्छा पीएनबी में क्या बचा हुआ है, तो पीएनबी में देखिए तो पीएनबी में भी 2000 बचा हुआ है। तो इस तरीके से कंट्रा वाउचर में टैली ईआरपी 9 में भी एंट्री पास हो सकती है और सेम वही फंडा पेमेंट रिसिप्ट और कंट्रा तीनों में ही लागू होगा। तो आई होप की बात समझ में आ गई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, थैंक यू।